बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक से रिलेटेड है। लेकिन क्विज अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों से एज यूजुअल छोटी सी दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खासतौर पर वो तमाम नए विजिटर जो पहली दफ़ा मेरे चैनल का विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन के बटन को भी हिट करें और ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें और कोई मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। तो चलें अपने इस टेक अ क्विज वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं, ताकि हम अपने डायलॉग बॉक्स में जा सकें। बिफोर एंटरिंग इन टू द क्विज सेशन, तो आपके पास ये एक प्लस का साइन है, जिस तो जैसे आप जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। आपने इसको थर्डली रीड आउट करना है 2 or 3 times, इसी तरह समझने और समझने के बाद आप इसको अटेम्प्ट करें। तो टाइम को सेव करने की गर्ज से मैं इसको क्विट करता हूं और डायरेक्ट स्टार्ट क्विज के बटन पर क्लिक करके अपना क्विज स्टार्ट करता हूँ। इन पैकेजिंग डिजाइन वी मस्ट फर्स्ट हैव अ स्ट्रक्चर डिजाइन डायमेंशंस एंड स्केल्स। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायमेंशंस होंगे मेरे हिसाब से। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैकेजिंग डिजाइन आफ्टर इट्स फंक्शनैलिटी इज फेस वैल्यू, प्राइस वैल्यू, रिटेल वैल्यू, बुक वैल्यू। I will go option number 2, face value. Save and move to the next question. A shop sign is also named as, then जो शॉप का साइन है उसका जो दूसरा नाम है क्या? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फैशिया, लीशिया, रोशिया, मनीशिया। I will go with the option number 1, fascia. Save and move to the next question. Question number 4 is in front of us now. Lifespan of a magazine ad is as compared to newspaper ad. Karein, newspaper ad ki banisbat jo magazine ki jo ad ka jo span hai, life span hai, wo kya hai? Shorter hai, smarter hai, longer hai, restricted hai. In my opinion, the option number 3 is correct. I will go with the option number 3, longer. Save and move to the next question. In Adobe Photoshop, the shortcut key of the duplicate object is dash. In Adobe Photoshop, the duplicate object ke liye jo shortcut key hai, wo char option mein di gayi hai, Shift plus J, Control plus D, Alt plus Shift, Control plus J.
कंट्रोल प्लस चे इन माई ओपिनियन ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर फोर सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ ऑन स्क्रीन अ ब्रोशर मस्ट इंक्लूड ब्रोशर को लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए डैश अलॉन्ग विद द अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड आर कंपनी चार ऑप्शन ये में ये हैं कि कंपनी के ब्रांड और ब्रांड या कंपनी के इंफॉर्मेशन के अलावा हमें जो ब्रोशर है वो उसको लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए क्या चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें पिक्चर लोगो ग्राफिक्स वेबसाइट एड्रेस आई विल गो ऑप्शन नंबर टू लोगो ऑफ द कंपनी ब्रोशर को ये लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए दीगर इंफॉर्मेशन के साथ सो सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ अस बाय द स्मार्ट यूज ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स पैकेजिंग डिजाइंस कैन बी बिकम क्वाइट कह रहे हैं पैटर्न और कलर्स को स्मार्ट तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो आपकी पैकेजिंग का डिज़ाइन है वो हो सकता है बिल्कुल क्या बोरिंग एंगेजिंग मेसी कॉमन चार ऑप्शन है आई पिक द ऑप्शन नंबर टू एज अ करेक्ट वन सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर टू सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैगजीन इज डैश यानी मैगजीन का स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होता है ए फाइव ए फोर ए थ्री ए वन I will go with the option number 2A4. Save and move to the next question. Why do we use leading lines in our design? To make the design better, कह रहे हैं हम अपने डिजाइन में लीडिंग लाइन्स क्यों यूज करते हैं टू मेक द डिजाइन बेटर डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए टू डायरेक्ट व्यू टू द सी द डिजाइन डिजाइन को देखने के लिए एक बरास व्यू करने के लिए टू प्रिंट डिजाइन डिजाइन को प्रिंट करने के लिए टू डायरेक्ट द व्यू और आई इनटू द स्पेसिफिक पोर्शंस जो देखने वाले की आंख को एक स्पेसिफिक पोर्शन की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास तो आई विल गो टू द ऑप्शन नंबर फोर एज ए करेक्ट वन आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन आवर स्क्रीन न्यूज पेपर एड हैज अ वाइडर देन अ मैगजीन एड कह रहे हैं कि मैगजीन एड की बनिस्बत न्यूज़ पेपर जो एड हैं वो वसी रखते हैं कि टारगेट ऑडियंस म्यूजिक ऑडियंस यंगर ऑडियंस ओल्डर ऑडियंस चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि रीच किन के पास जाता है न्यूज़ पेपर एड की या मैगजीन एड की Definitely, newspaper has a more target audience, wider audience. So I will go with the option number one as a correct one. So I select this one, save and move to the next question. तो हमारा यहाँ quiz खत्म पजीर हुआ। अगर किसी question में आपको या quiz में कोई doubt है, तो kindly आप comment section में अपना correct answer जरूर mention करें, ताकि सबका भला हो सके। Like करें, share करें और comment section में अपनी राय का जरूर इजहार करें। Thanks for your watching. Assalamualaikum.